यूपी के जनपद उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक साथ 6 लोगों की मौत की सूचना से हड़कंप मच गया है, जहां कानपुर लखनऊ हाईवे के किनारे खड़े मां बेटी समेत एक युवक को तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। यही नहीं, बगल में ही खड़ी एक मारुति कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मारुति कार डंपर से फंसकर कुछ दूर गई और डंपर के साथ ही खंती में चली गई, जहां मारुति कार में 3 लोग सवार थे। कार सवार विमलेश तिवारी अपनी भतीजी का तिलक चढ़ाने कानपुर जा रहे थे। आसपास मौजूद लोगों और चौराहे पर खड़ी पुलिस ने आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। घटना के बाद एसपी, एएसपी व सीओ सिटी समेत भारी पुलिस बल व एसडीएम और एडीएम व कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचा। बाद में क्रेन की मदद से डंपर की चपेट में आए लोगों के शव निकाले गए। शाम को 7 बजे जो आजाद चौराहा है, वहाँ पर एक दुखद और बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसमें एक ट्रॉला द्वारा एक कार को टक्कर मार दी गई। दोनों गाड़ियाँ जाकर के गड्ढे में गिर गए, जिससे कि 3 लोगों की जो कार सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। साथ में 3 व्यक्ति अन्य जो बाहर थे चौराहे पर खड़े थे उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।